से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जी डी पायलट है, आप बता दो आपकी भरपूर तालियों में जैन आसिफ साहब। बेसिकली 8 से लेके सेकंड ईयर तक आपको ग्रूम करते हैं ताकि आप आगे जाके तो एयरफोर्स में अपना करियर परस्यू कर सकें। और सिर्फ बेसिकली हम एयरफोर्स का जब भी नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि एयरफोर्स में सिर्फ पायलट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। एयरफोर्स में काफ़ी ब्रांच है। अगर आप बेसिकली देखें सबसे सीनियर ब्रांच है वो GDP है, जो जिन्हें हम आम अल्फाज में पायलट कहते हैं। लेकिन ये पायलट्स जो होते हैं वो आम जो सिविलियन एयरक्राफ्ट जो आप देखते हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट, इनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये फाइटर जेट्स के पायलट होते हैं और इसके लिए आपके मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड्स और आपकी फिजिकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इसमें। इस बारे में बात कर रहे थे तो ये जो आम सिविल एविएशन है उससे थोड़ी सी डिमांडिंग जॉब है, क्योंकि इसमें आपको फिजिकली फिट भी रहना पड़ता है और इसमें कुछ ह्यूमन लिमिटेशंस हैं। तो ये हो गया छोटा सा तारुफ GDP का। उसके अलावा अगर आप एयरफोर्स में ही परसू करना चाहें तो दूसरी ब्रांच है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी इसी तरह बेसिकली जो प्रोसीजर है आपको कमीशन लेने का वो सेम है। आप या तो कॉलेज ज्वाइन कर लें या फिर उसके बाद आप एक और ऑप्शन है कि आप फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करते हैं उसके बाद आप ISSB देते हैं। ISSB जो है वो एक रिकमेंडेशन है पूरे बोर्ड की जो आपको रिकमेंड करता है कि आप सूटेबल हो फोर्सेज के लिए। और ये ISSB जो है ये आपकी तीनों फोर्सेज के लिए वैलिड है, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी, आर्मी के लिए भी और नेवी के लिए भी। तो इसमें आपके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिनमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप टास्क होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं। और ये सिर्फ मतलब लड़कों के लिए नहीं फीमेल के लिए भी है। मेरे साथ फीमेल पायलट्स भी हैं जो वहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोफेशन जिस तरह समझा जाता है कि सिर्फ लड़कों के लिए, तो फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। और ISSB में बेसिकली आपके इंटेलेक्ट चेक होता है, आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़, आपकी लीडरशिप स्किल्स, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी वो जज करते हैं कि आप आइदर यू कैन फिट इन द एयरफोर्स आर्मी और नेवी और यू आर नॉट मेड फॉर। आपका बेसिकली दिमाग सिर्फ वो चेक करते हैं कि आप उस सांचे में ढल सकते हैं कि नहीं। और इस सब के बाद एक आपका इंटरव्यू होता है, बड़ा नॉमिनल सा होता है, आपके बैकग्राउंड के बारे में आपको मतलब वो बेसिकली आपसे बात करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आइदर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समबडी। सो वो उस सब प्रोसीजर के बाद आपका एक मेडिकल होता है जो तीनों फोर्सेस के लिए एक तरह का होता है। सिर्फ ये है कि GDP के लिए थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया टफ है, उसमें अनफॉर्चुनेटली जिनको क्लासेस लगी हों जिनके ISSB वीक हो उनके लिए थोड़ा कम स्कोप है। लेकिन ये है कि बाकी वो GDP के अलावा वो बाकी ब्रांचेज में वो फिर भी जा सकते हैं। तो ये तो रही बात आपकी मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया सब कुछ, और कुछ इसके मतलब के आपके समझने के
आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके एफएससी में 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, 60% मिनिमम क्राइटेरिया। और उसके बाद जो है वो सारा आपका, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम है तो आप फोर्सेज में नहीं जाते। फोर्सेज में एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि सिर्फ ये नहीं है कि ब्रिलियंट माइंड्स जाते हैं, वहाँ पर शार्प माइंड्स भी जाते हैं। कई लोग होते हैं उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग ये नहीं कह सकते कि वो कौन से हैं या वो कुछ कर नहीं सकते। उनके बेसिकली दिमाग शार्प होता है, लेकिन उनकी जो जनरलाइजेशन ऑफ देयर माइंड इट्स इन अनदर डायरेक्शन। तो बेसिकली ये है कि आपको थोड़ा सा शार्प होना पड़ेगा तो आप ये अचीव कर सकते हैं। और ये सारा कुछ था बिफोर ज्वाइनिंग। आफ्टर यू ज्वाइन द एकेडमी आपको 3 साल की एयरफोर्स की 3 साल की ट्रेनिंग है, नेवी की 1.5 साल की और आर्मी की 2 साल की है। तो आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको फिजिकल एग्जर्शन और ड्रिल पीटी एक्सेट्रा ये सब कुछ ट्रेनिंग में दिया जाता है। असॉल्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं, फायरिंग एक्सेट्रा ये सारी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इंक्लूडिंग फीमेल्स। और उसके अलावा जब आप 3 सेमेस्टर गुजार लेते हो तो उसके बाद आपकी फ्लाइंग करियर का मतलब स्टार्ट होता है। पहले आप प्राइमरी फ्लाइंग करते हो प्रोपेलर एयरक्राफ्ट से, जिनकी मूवमेंट स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन उन पर आपको बेसिक वो फ्लाइंग का टच देते हैं कि आप किस तरह फील होता है एयरक्राफ्ट में बैठ के। उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता ना 60 आवर्स की आपकी फ्लाइंग होती है, उसके बाद आप आगे जाते हो तो आपको 37 के, और इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हुए आप फाइटर जेट्स पे एक कंप्लीट फाइटर पायलट बन जाते हो। और इसी तरह आपका एरोनॉटिकल इंजीनियर तीसरी ब्रांच है एयर डिफेंस में, ये आपने देखे होंगे रेडार्स वगैरह जो है, रेडार्स के ऊपर जो कंट्रोलर बैठे होते हैं वो बेसिकली एयर डिफेंस कोर्स करके आए होते हैं। उसके अलावा एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज और नेविगेशन लॉजिस्टिक्स, ये सारी की सारी एयरफोर्स के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज है जो ऑफर कर रही है। एट दी एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अगर किसी के जहन में कोई सवाल है या कोई भी क्वेरी है तो आप जैसे मेजर के पहले स्क्वाड्रन लीडर है,
जनरल के पैरेलल ए चीफ मार्शल है, तो इस तरह आप मतलब प्रोग्रेस करते हो। बेसिकली जो आईएसएस भी आप देते हो ना फोर्सेज में आने के लिए, वो सीएसएस के लिए है, जो सिविल सर्विसेज में।